हमारे बीच। लीविंग इंपैक्ट के तत्वावधान में प्रारंभ होने वाली ये जो काव्य गोष्ठी है, इसके आगाज के लिए मैं सर्वप्रथम ये आपको सूचित करना चाहूंगा कि श्री वीरेन डंगवाल पार्थ जी की अध्यक्षता में इस काव्य गोष्ठी का हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जल्द ही अन्य कवि बंधु हमारे जो है जुड़ने वाले हैं। आशा करते हैं जल्दी सब लोग हमसे जुड़ पाएंगे। लिविंग इम्पैक्ट हमारा जो तत्वावधान है, हमने सोचा कि अकादमिक अनुसंधान, समाज और साहित्य सब चीजों को जोड़ने के लिए एक आपस की एक सामंजस्य स्थापित करते हुए, एक दूसरे को हाथ में हाथ बढ़ाते हुए, छात्रों पे सहयोग, छात्रों का शिक्षकों के साथ सहयोग, हमारा समाज के साथ सहयोग, यह सोच इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। काफी समय से इच्छा थी एक काव्य गोष्ठी करने की, जो अब मूर्त रूप ले पा रही है। सबसे पहले धन्यवाद मेरे वरिष्ठ कवियों का जो हमारे बीच उपस्थित हैं और उपस्थित होने जा रहे हैं। इस आशा के साथ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, या हमारा जो छात्रों का विशेष जो अनुराग है साहित्य के प्रति, वो बढ़े, इस मंशा के साथ हमने ये आरुणि को यज्ञ के हवन की पहली अग्नि को देने का प्रयास करने का कर रहे हैं। हालांकि आप लोग तो कर ही रहे हैं, मेरा प्रयास, हमारा प्रयास अपने कैंपस में और उसमें वो जो सेंसिटाइज करने का मकसद के साथ हम करने जा रहे हैं। आशा आप लोगों का आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहेगा। और मंच संचालन के संदर्भ में मैं अपने छोटे भाई सुमित रिंगवाल को आमंत्रित करूंगा, और बैकेंड से चाहूंगा कि हमारे लोकेश अधिकारी, मेरे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, वो हमारे साथ हैं, जो कि यूट्यूब लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं पीछे बैकेंड टीम से। तो सबसे पहले मैं मंच संचालन के लिए सुमित रिंगवाल, जो एक जिनका परिचय मेरे छोटे भाई हैं, एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो शोधार्थी हैं, एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे कवि हैं और एक अच्छे इंसान हैं। तो स्वागत है सुमित। दफा सुना है, अब वहां से नहीं गुजरेगी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सिमेंटी सर से कि वो अपना आगे की इस कार्यवाही, इस कार्यक्रम का बहुत शुक्रिया। सुंदर सुमित, थैंक यू सुमित। तो अध्यक्ष जी, श्री वीरेन डंगवाल जी की आज्ञा लेना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी की आज्ञा से और अपने अग्रजों डॉक्टर कविता, आप लोगों की अनुमति चाहूंगा जब तक कि हम खेमकरण जी हमारे साथ ज्वाइन करें और नीरज जी ज्वाइन कर पाए। तकनीकी के अपने आनंद हैं, हर चीज कुछ प्रोस हैं तो कुछ कॉन्स हैं, बिल्कुल और हम लोग ईश्वर की कृपा कहें या कोरोना देवता की देवी की कृपा करें, पिछले 9-10 महीनों से झेल ही रहे हैं उन चीजों को। तो एक नवीन विधा जो है साहित्य में भी आ पाई है, और थैंक्स टू कोरोना देवी कि एक नवीन विधा जो है ऑनलाइन जो है कवि जो है कवि भी जो है हाईटेक बन गए हमारे सारे। ठीक है, तो मैं हमेशा किसी हर चीज में, डंगवाल जी, हर चीज में जो है सॉल्यूशन देखने का शौकीन हूँ कि कहाँ कोई सॉल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम तो दुनिया गिना देती है। चलिए, इसी तो माँ शारदे की कृपा से, माँ शारदे को नमन करते हुए, भगवती माँ नंदा को याद करते हुए और अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण करते हुए मैं अपने शब्दों को आगाज करना चाहूंगा। और सबसे पहले याद करना हार्दिक चाहूंगा, हार्दिक स्वागत करते साहब, हार्दिक स्वागत। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आके गई है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, आप कहेंगे कि क्या कनेक्शन है। आप देखेंगे तीनों के उसमें एक विचार, वो व्यक्ति नहीं है, तीनों व्यक्ति नहीं, तीनों विचार है। मैं बड़ा प्रभावित रहा वाजपेयी जी की शख्सियत से। उनका जाना युग युगांतर को घटाने वाली, जो हिलाने वाली जो घटना थी,
उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और अपना काव्य पाठ की पंक्तियां ही उसे शुरू करना चाहूंगा। और वो इसलिए भी क्योंकि वो पंक्तियां खुद मुझे नहीं पता था कि खुद मुझको कंसोल करने के लिए जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ शायद मेरे काम आएंगी, तो आशीर्वाद चाहूंगा। असंख्य शंख नाद है, असंख्य शंख नाद है, विधि का विधान है, असंख्य शंख नाद है, विधि का विधान है, व्यक्ति नहीं विचार है, ये कूच नहीं गूंज है, व्यक्ति नहीं विचार है, ये कूच नहीं गूंज है, मृत्यु नहीं विश्राम है, मृत्यु नहीं विश्राम है, ये देह का प्रयाण है, ये देह का प्रयाण है, लौट का सोपान है, धरा का अभिमान है, लौट का सोपान है, धरा का अभिमान है, अजर है अमर है, अज है अमर है, ये अटल है अटल है। जी हाँ, तो अपनी पहली पंक्तियां अटल जी को समर्पित करते हुए और उन सभी योद्धाओं को समर्पित करते हुए जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन लगा दिया और वो विचार छोड़ गए जो आने वाले युग युगांतर तक जो है हमको प्रेरित करता रहेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, मुक्तक के माध्यम से कुछ ही छूट ना जाए तो हमने कहा चलो देशभक्ति का पुट, शिक्षक हूं तो शिक्षक जो है बड़ी से बड़ी बातें भी जो है कटाक्ष में करने का बड़ा शौकीन होता है या कहें कि वो उसके खून में आ जाता है, तो चार पंक्तियां लिखूं करूंगा उसके बाद अपनी पहली रचना को शब्द दूंगा। तिरंगा फहराया मिठाई खाई, तिरंगा फहराया मिठाई खाई, देश पे मरने की कसमें खाई, तिरंगा फहराया मिठाई खाई, देश पे मरने की कसमें खाई, गणतंत्र दिवस की दी बधाई, गणतंत्र दिवस की दी बधाई, सबने मिलकर 15 अगस्त तक देशभक्ति को दी विदाई, सबने मिलकर 15 अगस्त तक देशभक्ति को दी विदाई। देशभक्ति मानो त्योहार का हो गया, एक पार्टी ऑपरेशन हो गया जो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आता है, ऐसा सा फैशन चल पड़ा है। देशभक्ति रगों पे आए, प्रतिदिन या प्रतिपल हम सोचें उस चीज को, इसी मंगल कामना के साथ और अपने युवा साथी और हमारे शिक्षकों, हमारे जो छात्र हैं छात्राओं में वो कूद कूद कर भर के आए, तभी औचित्य है हमारे इस खुली हवा में सांस लेने का और उस आजादी को महसूस करने का जिसके लिए न जाने कितने मतवालों ने अपना जो है प्राण न्योछावर कर दिए, उस संविधान को लिखने के लिए लोगों ने दिन रात एक कर दिए। तो अपनी एक पंक्ति, अपनी अगली रचना कि एक दिन आजादी का, सर आजादी के दिन फुर्सत के क्षण ढूंढते ही रह जाते हैं हम लोग, क्या मिलेगा एक दिन आजादी का, क्या मिलेगा एक दिन आजादी का। दो नुक्ते हैं केवल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, देखिएगा कि 2 जून के लिए भागती जिंदगी को क्या मिलेगा एक दिन आजादी का, 2 जून के लिए भागती जिंदगी को उन आंखों में कैद आंसुओं को, नाचीज दिल के बिसरे अरमानों को, हर मुश्किल से लड़ते हौसले को, अपना मुकाम तलाशती मोहब्बत को, खुदगर्जी में दबे पड़े जमीर को, दिलों में सुलगती आग को और पिंजरे में कैद आदमियत को, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एक दिन आजादी का, क्या मैं? एक दिन, जी हाँ एक दिन जब जिंदगी बैठकर सुस्ताएगी, एक दिन जब जिंदगी बैठकर सुस्ताएगी, आंखें अशकों के दरिया बहाएंगी, हर ख्वाब एक बार हकीकत हो जाएगा, हर ख्वाब एक बार हकीकत हो जाएगा, हौसला हिमालय से ऊंचा हो जाएगा, हौसला हिमालय से ऊंचा हो जाएगा, मोहब्बत चांद सितारे तोड़ लाएगी, मोहब्बत चांद सितारे तोड़ लाएगी, जमीर की लौ आंखों को रोशनी दे पाएगी, जमीर की लौ आंखों को रोशनी दे पाएगी, दिलों में सुलगती आग एक मशाल बन जाएगी, और आदमियत, और आदमियत आदमी को बाकायदा मिल जाएगी, हाँ उसी दिन, हाँ उसी दिन ये दुनिया जन्नत से हंसी हो जाएगी, ये दुनिया जन्नत से हंसी हो जाएगी। धन्यवाद। तो कुछ साल पहले इसी संदर्भ में, खैर आजादी से अब चलते हैं अपने समाज की तरफ, एक रचना,
कुछ दिन कुछ समय पहले लिखी थी कविता, जब परियोजनाओं, चाहे श्रीनगर परियोजना रही चाहे टिहरी परियोजना रही, वो लोग जो लोग उत्तराखंड से वाकिफ नहीं है, पानी के किनारे मेरे गांव है प्यासे, नदी के ओरिजिन वा जहां से नदियां निकल रही हैं वहीं के लोग जो है प्यासे बैठे हैं, तो उन्हीं को समर्पित ये पंक्तियां, पहाड़ की पीड़ा है, विकास की बलिवेदी पर चढ़े उस पहाड़ की पीड़ा को प्रकट करने का मेरा प्रयास है। कि और लिखी भी कविता ऐसी थी कि आधे स्वप्न में कि शंकर भगवान परेशान हैं कि गंगा छोड़ दी, क्या कर डाला मैंने, तो और भागीरथ भी प्यासा है, कविता का शीर्षक है भागीरथ भी प्यासा है। अध्यक्ष जी, पवार जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि क्षमा कीजिएगा कि अब कवि महोदय लोग जाने कि अभेदान मिले ऊपर वालों से, सत्ता से, तो इसीलिए 5 बजे बाद रखा है सर, सभी सरकारी कर्मचारी हैं तो ताकि हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके कि शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई। अब अर्ज किया है टिहरी के वो लोग जिनकी यादों में टिहरी है, जिनकी बातों में टिहरी है, वो जानते हैं उस टिहरी का दर्द कि एक संस्कृति का गवाह, एक शहर, हमारे पुरखे सब डूब गए, एक विकास की बलिवेदी पे कितना बड़ा बलिदान दिया है वो झील में देखने और घूमने वाले लोग उसको समझ नहीं सकते जिन्होंने देखा। तो मेरी पहला जो पैरा है वो एक उस घटना का प्रमाण है जो एक वृद्धा जीरो बैंड पे बैठ के टूटती हुई टेहरी को दे रही थी और फूट फूट कर रो रही थी, उसी को मैंने अपने शब्दों में ढाला है कि याद आती है वो बूढ़ी नानी, याद आती है वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, याद आती है वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, ताक रही थी डूबी टिहरी को, ताक रही डूबी टिहरी को, मानो जीवन सिंगोरी हवन हुई। जी हाँ, सिंगोरी मालू के पत्तों में डूबी वो लिपटी हुई वो मावे की मिठाई, जो केवल मिठाई नहीं संस्कृति का परिचायक थी, वो जीवन सिंगोरी हवन हो गई। कि याद आती वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, ताक रही डूबी टिहरी को, मानो जीवन सिंगोरी हवन हुई, शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई। अर्ज किया है विकास की बलिवेदी पे हम ही सबसे नंबर वन पे हैं, कि हम छोड़े अपनी जड़ों को, हम छोड़े अपनी जड़ों को, हमको वो दून बसाएंगे, हम छोड़े अपनी जड़ों को, हमको वो दून बसाएंगे, अरे हमसे छीनो हृदय स्पंदन, अरे हमसे छीनो हृदय स्पंदन, फिर ये उजाला लाएंगे, शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब। हिमालयन सुनामी हमने देखी अभी, कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, वैज्ञानिक हूं लेकिन मैं भी कनेक्ट करता हूं आस्था से, मैं भी विश्वास रखता हूं कि माँ धारी को हिला के देख चुके, धारी को हिला के देख चुके, शंकर का तांडव देख लिया, धारी को हिला के देख चुके, शंकर का तांडव देख लिया, अब भी संभलो वक्त मिला है, अब भी संभलो वक्त मिला है, इन वन नदियों को छोड़ दो, शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब। तो सर, समय का पहिया है। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद पवार जी आपके आशीर्वाद के लिए। और हम देख ही रहे हैं, हमने अगर किसी की कदर नहीं की, दूसरा भी हमारी कदर नहीं करेगा सर, खासकर प्रकृति। इस समय का पहिया घूमते देखा है हमने, लॉकडाउन में बहुत कुछ देखा हमने, उन्हीं पंक्तियों को देख रहा हूं, लिख रहा हूं कि समय का पहिया घूमते देखा है हमने, कुदरत को अंगड़ाइयां लेते देखा है हमने, कुदरत को अंगड़ाइयां लेते देखा है हमने, ए आदम जात अब बस घरों से ना निकलना, ए आदम जात अब बस घरों से ना निकलना, सरे बाजार आज शेरों को टहलते देखा है हमने, सरे बाजार आज शेरों को टहलते देखा है हमने, जर्रा है हम तुम कि जर्रा है हम तुम,
तेरी मेरी नहीं ये जमी हम सब की है, जर्रा है हम तुम, तेरी मेरी नहीं ये जमी हम सब की है, वक्त ने लिख दी है इबारत, ये गलती हम सब की है, ये गलती हम सब की है। और गौर से देख लेना फिर याद रखना ये मंजर अजय, गौर से देख लेना फिर याद रखना ये मंजर अजय, जरा सहम के बयां करना, जरा सहम के बयां करना, ये गलती हम सब की है, ये गलती हम सब की है। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम झेल रहे हैं, चाहे पर्यावरण हो चाहे कुछ हो, वो सब हमारा ही है, सब हमारा किया धरा है। और एक छोटी सी कृति अगर आपके आज्ञा हो, मैं उनको भी देख रहा था, और डॉक्टर कविता से भी निवेदन रहेगा कि अगर हम समय होगा तो हम आपकी 2-3 पंक्तियां भी और आशीर्वाद चाहेंगे आपका। शिक्षक हूं, शिक्षक बच्चों को इंस्पायर करना या मोटिवेट करना, उसके लिए एक पंक्तियां लिखी थी, आप लोगों का आशीर्वाद हो। छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं कि सभी युवा साथियों को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, शिक्षक हूं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं अध्यक्ष जी, कि पसंद आए ना आए, खासकर मेरे युवा साथी, दाद दें या ना दें, जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें एक आध चीजों को कम से कम, कि लगन कविता का शीर्षक है सर, स्वागत है, बिल्कुल पसंद आएंगी आपकी पंक्तियां। देखिए देखिए कि लगन, तुम चाहे कर लो जितना जतन, तुम चाहे कर लो जितना जतन, जहन में होगी न जब तक अगन, जहन में होगी न जब तक अगन, मंजिल से होगा न तेरा मिलन, मंजिल से होगा न तेरा मिलन, दिलों में होगी न जब तक लगन, लगन 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 लगन। पहला नुक्ता कि कर्मात पिता और गुरु को नमन, कर्मात पिता और गुरु को नमन, इच्छाओं का तुम कर लो दमन, इच्छाओं का तुम कर लो दमन, विषय विकारों का कर लो शमन, विषय विकारों का कर लो शमन, कदमों में होगा न जब तक गगन, लगन 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 लगन। की ऊंची उड़ानों में सदा सर्द चुभन, ऊंची उड़ानों में सदा सर्द चुभन, तन मन कर ले हरदम सहन, कष्टों की पीड़ा से धुलेंगे नयन, कष्टों की पीड़ा से धुलेंगे नयन, निकले ना हीरे तब तक हो खनन, निकले ना हीरे तब तक हो खनन, लगन 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 लगन। और उन शुभचिंतकों को ले जो अक्सर सांप की तरह अक्सर लिपटे होते हैं, भुजंगों की तरह, उन्हीं को समर्पित कि लिपटेंगे जब जब विषैले भुजंग, लिपटेंगे जब जब विषैले भुजंग, न तजना तु खुशबू बनचंदन, न तजना तु खुशबू बनचंदन, क्या कुंदन बना है कभी बिन तपन, क्या कुंदन बना है कभी बिन तपन, सूरज को भी जब तक ना हो जलन, लगन 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 लगन। अंतिम पंक्तियां कि सफलता भी जब आती है तब भी संभल के रखना बहुत जरूरी है, सफलता हर एक किसी को पसती नहीं है, कि भाग्य भजेगा जब तेरे भजन, भाग्य भजेगा जब तेरे भजन, क्या खोया क्या पाया कर लो मनन, क्या खोया क्या पाया कर लो मनन, सफलता नशा है न होना मगन, सफलता नशा है न होना मगन, गंगा को भी जब तक ना हो थकन, गंगा को भी जब तक ना हो थकन, लगन 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 लगन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत हमारा प्रयास शिक्षक होने के नाते केवल यही कि कुछ बहुत ही शानदार काव्य पाठ डॉक्टर सिमंटी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम रचना केवल 2-3 नुक्तों में पेश कर रहा हूं,
इस आशा के साथ कि युवा हृदयों तक पहुंच पाऊं, कुछ रोमानी हो चले, इसलिए मुक्तक की बात कही थी कि धन्यवाद कि रुसवा करो ना हमको, सभी युवा साथियों को समर्पित। हम दर्द हम नवा हूं, हम राह हूं मैं तेरा, हम दर्द हम नवा हूं, हम राह हूं मैं तेरा, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा, तेरी एक झलक से हम जो, तेरी एक झलक से हम जो बेहोश हो चले थे, तेरी एक झलक से हम जो बेहोश हो चले थे, हमें होश आ रहा है, हमें होश आ रहा है, तेरा नाम बुदबुदाते, हमें होश आ रहा है, तेरा नाम बुदबुदाते, रुसवा करो न हमको, कि तेरी चाहतों में हमने, तेरी चाहतों में हमने ये मुकाम हासिल किया है, तेरे चाहतों में हमने ये मुकाम हासिल किया है, तेरे हिस्से के गमों की आंधी, तेरे हिस्से के गमों की आंधी को हमी ने मध्यम किया है, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा, कि लिखता कभी कहां हूं, लिखता कभी कहां हूं, मुझे गाते कभी सुना है, लिखता कभी कहां हूं, मुझे गाते कभी सुना है, मेरे अश्क ढले लफ्जों में, मेरे अश्क ढले लफ्जों में, तेरी सांसें बनी तरन्नुम, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा। अंतिम दो पंक्तियां कि तेरा आना मेरी फिजा है, तेरा जाना मेरी खिजा है, तेरा आना मेरी फिजा है, तेरा जाना मेरी खिजा है, नजरे इनायत गजल है, नजरे इनायत गजल है, सांसों के सदके है सरगम, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा, जब तुझे गमों ने छूकर मेरी धड़कन को धीमा किया है, जब तुझे गमों ने छूकर मेरी धड़कन को धीमा किया है, तेरी खुशियां खुदा से मांगी, अपनी सांसों को गिरवी रखा है, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा। और इन दो तीन पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ को समापन कर रहा हूं कि न जाना छुड़ा हाथ मेरा, न जाना छुड़ा हाथ मेरा, जो थामा है सातों जन्म को, न जाना छुड़ा हाथ मेरा, जो थामा है सातों जन्म को, तेरी नजरें उठी जो हमसे, तेरी नजरें उठी जो हमसे, उठ जाएंगे उसी पल को, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा, रुसवा करो न हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्रवण के लिए। और एक टीजर छोड़ता जा रहा हूं, सभी सरकारी कर्मचारी बैठे हैं मेरे ख्याल से, और जो है अपने आप ही समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। केवल दो लाइनें, केवल चार लाइनें आपके सामने पेश करता हूं, पूरी कभी फिर सुनाऊंगा। वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, तेरी हर जीत मेरी है, तेरी हर हार तेरी है, तेरी हर जीत मेरी है, तेरी हर हार तेरी है, तू लाया तोड़ तारे या खुदा मेरा ही जलवा है, तू लाया तोड़ तारे या खुदा मेरा ही जलवा है, गिरा जो तू फलक से गर वो तेरा मुकद्दर है, गिरा जो तू फलक से तो गर वो तेरा मुकद्दर है, वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, तेरी हर जीत मेरी है, मेरी हर जीत तेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और अध्यक्ष जी बहुत सर काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर सिमटी जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका रहा है, और एक दिन आजादी का क्या मिलेगा, एक दिन आजादी का वाकई में हर मन में ये रहता है। दूसरा, आप टिहरी से होते हुए, टिहरी की आपने हमारी यादें ताजा कर दी। मूलतः जब कहीं भी टिहरी का नाम आता है तो निसंदेह मैं टिहरी का वासिंदा हूं, तो वहां से उसकी जो लोगों के लिए विकास मिला, लेकिन हमें जो है वहां से विनाश ही समझेंगे कि हमें वहां से जो है विस्थापित होना पड़ा उस बांध के कारण। तो बड़े भावुक का आपने मुझे भी कर दिया था, और उसके बाद मुक्तक और बहुत कुछ आपने जो सुनाया है आपको मैं पहली बार सुना है। बाकी शब्द रत्न में आपकी कविताएं निरंतर प्रकाशित हुई हैं, वो तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, पहली बार आपको सुना है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर सेमट्टी जी, और एक बधाई इस मंच के माध्यम से मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। एक साहित्य का ये प्रयास तो आपने जो आज से शुरू कर दिया है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई देता ही हूँ। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने जो उत्तराखंड का मान बढ़ाया है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और धन्यवाद जी। विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में आपका नाम आया है, ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए और पूरा उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डंगवाल जी। आगे के प्रक्रम के लिए आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपके प्यार के लिए सदैव आभारी हैं, और आपका हमेशा हमें जो है निरंतर सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है डंगवाल जी का हर क्षेत्र में। तो अब मैं मंच संचालन के लिए पुनः जो है सुमित को आमंत्रित करता हूँ। सुमित बहुत ही बेहतरीन रचनाएं, ऊर्जा से भरपूर, जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ऊर्जावान ऊर्जावान, आपने हमसे ऊर्जा से भरा हुआ है। और मैं गढ़वाली की 4 पंक्तियों के साथ उत्तराखंड की लोक सभ्यता, लोक विरासत, लोक कला के होता क्या है कि इस बीच के हम डंगवाल जी हमको जोड़े, तब 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि जमाने लगेंगे। तकनीकी कितनी भी दूर पहुंच जाइए, कितनी बड़ी पहुंच गई, 4G 5G हो गई, पर अभी भी चीजों को स्मूथ होने में टाइम लगेगा, जमाने लगेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कि सजदा करें, सजदा करें और दुआएं कबूल हो जाएं, सजदा करें और दुआएं कबूल हो जाएं, ऐसी दुआओं को गढ़ने में जमाने लगेंगे, ऐसी दुआओं को गढ़ने में जमाने लगेंगे कि इश्क की हर दास्तान मुकम्मल हो जाए, इश्क की हर दास्तान मुकम्मल हो जाए, ऐसी जन्नत को बनाने में जमाने लगेंगे, ऐसी जन्नत को बनाने में जमाने लगेंगे। और हम कुदरत से हैं, हम कुदरत से हैं, कुदरत हमसे नहीं, हम कुदरत से हैं, कुदरत हमसे नहीं, ये बात समझने में अभी जमाने लगेंगे, ये बात समझने में अभी जमाने लगेंगे। जी हाँ, कई चीजों में अभी बहुत जमाने लगने हैं। तो मिले जी, मैं जो है आदरणीय डॉक्टर सिमटी जी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है ये गढ़वाली हिंदी का ये एक उत्सव जो है आयोजित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी निरंतर जो है आयोजन होते रहेंगे, और आप एक उम्मीद के साथ जो है आगे आए हैं, और निश्चय ही यह उम्मीद जो है सफल होगी, सुखद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आदरणीय सिमटी जी को मंच देता हूँ। सिमटी जी धन्यवाद डंगवाल जी। मेरे बड़े भाई श्री पंवार जी, श्री बीरेन डंगवाल जी, पार्थ श्री बीरेन पंवार जी, डॉक्टर कविता भट्ट और हमारी टीम से जुड़े अन्य साथी, लोकेश अधिकारी जो कि यूट्यूब स्ट्रीमिंग का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, सुमित रिंगवाल, एक छोटा सा प्रयास, और जिसको मैं कहता हूँ आरुणि। अगर यज्ञ में हम लोग जो है जब यज्ञ करते हैं तो आरुणि को रखते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास करते रहते हैं, आप लोगों का बड़ों का सानिध्य मिलता रहता है, पर एक छात्रों के बीच में एक सेंसिटाइजेशन जिसे कहते हैं साहित्य के प्रति, वो करने का मेरा प्रयास। आशा करता हूं आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और एक डंगवाल जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक बार भागवत का श्रवण कर रहा जी। था तो व्यास जी कहते हैं, कहते कि देखिए सुख का विलोम है,
दुख का विलोम है, हर चीज का विलोम है, आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद एब्सोल्यूट टर्म है, बिल्कुल आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद अपने में चीज है। तो ये काव्य, ये साहित्य मस्तिष्क को भागती दौड़ती जिंदगी से, शरीर को जो वो आराम देता है, वो आराम, वो सुकून, जिससे आगे चलने के लिए और प्रेरणा मिले, जोश मिले, आप लोगों का आशीर्वाद से हमारी जो युवा शक्ति है वह भी इससे प्रेरणा पा सके, इसी आश्वासन के साथ और इसी आशा के साथ मैं हमारे सभी श्रोताओं से और सभी कविगणों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि इस आरुणी को यज्ञ की बड़ी हवन को जो है मंजाम देंगे, आगे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी वादे के साथ। डंगवाल जी आपका बहुत बहुत आभार और मेरी सारी टीम की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय।